सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको सरकारी भर्तियों, रोजगार समाचार, न्यूज और ताजा अपडेट की जानकारी मिल सके। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खुशखबरी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको दो लेटेस्ट न्यूज बताऊंगा। पहली तो दो 10,000 बम्पर LDC की वैकेंसी है उसके बारे में, और दूसरी 16,000 जो 595 शिक्षकों की वैकेंसी है उसके बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आप देखिए दोस्तों, पंचायत राज विभाग में जो पिछले 6 साल से अटकी है लिपिक LDC की 10,000 से ज़्यादा पदों की जो वैकेंसी, वो जल्दी होने वाली है, जिसमें सभी कैंडिडेट अच्छा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पंचायत राज विभाग में 6 साल से अटकी जो लिपिक सीधी भर्ती 10,029 खाली पदों पर जल्दी भर्ती होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पे अहम फैसला ले लिया है। 2013 में 33 जिला परिषदों में जो कनिष्ठ लिपिकों के 19,275 पदों के लिए जो आवेदन मांगे थे, इनमें से अभ्यर्थियों को सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 70% वेटेज देने पर एवं अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 10 बोनस अंक, अधिकतम 30 अंक का वेटेज था, जिसमें RSCIT की पात्रता का जो प्रावधान किया गया था। चयन के बाद 2013 में जो 7,775 अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कार्य ग्रहण कर लिया था। इसके बीच हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 2013 को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। तो बेंच ने जो 25 सितंबर 2013 के अपने निर्णय से सेवा अनुभव के बोनस अंकों की जो अधिकतम सीमा जो 15 अंक निर्धारित की, इसके बाद जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर 2016 को राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया। तो अब क्या है कि जो 10,029 पदों पे वैकेंसी जल्दी आने वाली है, आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। दूसरी बात, 10,000 जो LDC क्लर्क की वैकेंसी, अब बात कर लेते हैं हम आपको शिक्षकों की। तो शिक्षकों की जो पद रहने वाले हैं 16,595। तो देखिए, ये वैकेंसी है हरियाणा में, हरियाणा में भर्ती होंगी 16,595 अध्यापक। तो LDC और ये जो अध्यापक की वैकेंसी है, इसमें ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आप खुद जाके विद प्रूफ भी चेक कर सकते हैं। आज की हाल की न्यूज, यानी कि जो 27 फरवरी 2019 की न्यूज है, तो हरियाणा में जल्दी 16,595 अध्यापकों की भर्ती होगी। ये जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दी। प्रश्नकाल में उन्होंने बताया कि 8,450 TGT और 8,145 PGT अध्यापकों के पदों को जल्दी सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इसके लिए मांग भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो आपके हित में जो दो लेटेस्ट खुशखबरी आई हैं, एक तो मैंने आपको दिखाई 10,000 पदों पर LDC की, दूसरी 16,000 जो 595 के आसपास जो पद हैं वो शिक्षकों के, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। जब इसका ऑफिशियल नोटिस जल्दी जारी होने वाला है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब इसका ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाल रंग की सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद साथियों।